अबे पहले तुम ये ट्रिप तो अच्छे से संभाल लो, फिर कोई नेक्स्ट ट्रिप का प्लान करना। वैसे अंगूरी जी, आपने गाजर का अचार बहुत ही टेस्टी बनाया है। लीजिए ना। और अच्छा लड्डू देना। अरे सुनिए टीटू जी, खाना नहीं खाएंगे का? अंगूरी जी वो टीटू नहीं टीटी है। हाँ सही पकड़े हैं, खाना नहीं खाएंगे आप? मैं अपना खाना घर पे भूला मैडम। अरे तो आप हमारे साथ खा लीजिए ना। माफ कीजिएगा मैडम, यहाँ से लेकर काट गोदाम तक ये बात मशहूर है कि नेमपाल सिंह भूखे रह जाते हैं लेकिन किसी मुसाफिर का खाना नहीं खाते हैं। तो हम कौन सा आपको जहर मिलाकर खाना खिला रहे हैं? जहर की बात नहीं मैडम, ये तो नेमपाल का उसूल है। पता नहीं कौन सा मुसाफिर का खाना रिश्वत की कमाई से आया हो। अरे क्या बोल रहे हैं, हमारा खाना रिश्वत की कमाई का नहीं है, मेहनत का है। नहीं नहीं, आप दोनों बहन जियों का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि ये खाना ईमानदारी के पैसे से आया है। तो खाइए, यहाँ बैठ जाइए। आइए चलिए, जब इतना कह रही हैं तो खा लेते हैं, खिला दीजिए। बैठ जाइए। क्या है मैडम, इस काट गोदाम में ये पहला मरतबा ये हो रहा है कि नेमपाल सिंह किसी मुसाफिर का खाना खा रहे हैं उनके साथ बैठकर। ये क्या बदतमीजी है भाई? ये बदतमीजी नहीं, शौक है, शौक। अबे तुम मुझे क्यों दे रहे हो? I like it. क्यों बे विभूति, क्या हो रहा है? तो भैया ऐसो यार, हम जो कह रहे हैं कि तना माहौल बड़ो सर्दियानु सर्दियानु से हो रहा है ठंडू ठंडू, तो गुलफाम कली से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है गु कि अपनों एक आज बढ़िया सो आइटम पेश कर दें और जो ठंडे ठंडे माहौल को गर्मा दें। कर दो यार, आ जाओ मोहतरमा जी। हुजूर लो, इसी बेहूदगी की कसर थी। जी करने दीजिए ना उसको, ऐसी तो बोर हो रही है यहाँ बैठकर, अगर कुछ नाच गाना देख लेंगे। देखिए मैडम, ऐसा है कि यहाँ से लेकर काट गोदाम तक ये बात मशहूर है कि नेमपाल सिंह अगर ड्यूटी पे होते हैं तो सिर्फ ड्यूटी पे होते हैं, कोई मौज मस्ती नहीं, कोई डांस गाना नहीं। बढ़िया वालू लगाएंगे तुम्हारे लाने। अरे दादा, ओ मां साहब, तुम्हारे लाने खास कर है संस्कार से भरो बोला वाला। Let us go. Woo! Come on. Walk with me. Destiny, baby girl. You're my only girl. I love you, girl. You're my only world.
ये छोया छोया ये छोय छोय छोया छोया ये छोय वाले छोया भाइयों एवं बहनो, कोहरा छट चुका है। कानपुर से काठगोदाम जाने वाली लक्ष्य एक्सप्रेस रवाना होने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने अपने सीट ग्रहण कर लें। सुबह हो गया इसका टीटू साहब। जी अनीता जी, उठिए, सुबह हो गया है, ट्रेन छूट रहा है। लड्डू उठो, लड्डू। सुबह हो गई क्या? और सुबह हो गई, सच में सुबह हो गई। विभू और तिवारी जी कहाँ हैं? हाँ वहाँ सो रहे हैं। ओहो विभू, विभू उठो उठो, जल्दी ट्रेन जाने वाली है। सुनिए लड्डू के भैया, मैं समझा कि अनु है। भले ही अनु है लेकिन मैं भाभी ये, लेकिन ये 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 क्या तरीका है? मतलब सुबह सुबह ही शुरू हो जाएंगे आप? गुलफाम जी, गुलफाम जी उठिए, गुलफाम जी उठिए, उठिए उठिए उठिए। Hey, come on everybody, get up, hey! भाई साहब उठिए उठिए, चलिए उठिए भाई। Hey! उठो भाई, उठो उठो, हो! अरे भाई! सीधा बैठिए ना, प्लीज़, क्या कर रही हैं आप ये? बाद में अंगलाइयाँ लेना, चल चल चलो जल्दी। चलो भाई, ट्रेन जा रही, चलो उठो ना भाई, ट्रेन जा रही है यार। जल्दी उठ, ट्रेन जावे वाली है यार, सब लोगों को उठा दे, उठ उठ। हाँ ट्रेन छूट रहा है, जल्दी उठिए, अलाउंस भी हो गया है। भाभी जी, इट्स नॉट अलाउंस, वो तो हम लेंगे किसी रोज, इट्स अनाउंस। हाँ सही पकड़े हैं, हाँ ट्रेन छूट रहा है, जल्दी उठिए। भैया बहुत बढ़िया नींद आई यार, पता नहीं चलो कब लुढ़क गए। भाई माँ, भाई माँ, बहुत बुरी खबर है, हमारा लगेज गायब है, बैग्स पर्स कुछ नहीं है, चोरी हो गई है। I like it. Oh shit. God. Oh God, this is not done. Mera pass chala gaya Vibhu. This is the worst trip of my life. Isse gandi trip maine nahi dekhi. Gande log, ganda safar, har cheez gandi. Are chalo bhai, sab log jaldi se chalo, train chhutne wali hai. Chalo bhai. Baithe baithe baithe. Kahan pe le aa rahe hain? पहले अपने अपनी टिकट दिखाइए। अरे यार कल दिखाई थी ट्रेन के अंदर हमने आपको टिकट, और कितनी बार दिखाए टिकट? ट्रेन के अंदर दिखाए थे ना, उसके बाद तो ट्रेन के बाहर चले आए। हाँ तो आपकी ट्रेन कोहरे की वजह से रुक गई थी, तो फिर इसलिए हम बाहर आ गए थे। हाँ तो अब ट्रेन के अंदर जाने के लिए टिकट तो दिखाना पड़ेगा। और जनाब, कानपुर से लेकर काठगोदाम तक ये बात मशहूर है कि नेमपाल सिंह बगैर टिकट देखे किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। लेकिन टीटू साहब, हमारा टिकट तो हमारे बैग में था, वो बैग तो चोरी हो गया। वो जो दूल्हा दुल्हन थे ना बड़े, जिससे आप लोग एकदम घुल मिल गए थे, क्लोज हो गए थे, वही चुरा कर ले गए हैं। अरे अगर आपको पता था ये बात, तो फिर आपने फिर रोका क्यों नहीं उनको? मैडम ये काम मेरा नहीं, पुलिस वालों का है।
और कानपुर से लेकर काठ गोदाम तक ये मशहूर है कि नेमपाल सिंह अपना काम से काम रखते हैं, किसी दूसरे के काम से मतलब नहीं रखते, समझी? इसका मतलब ये है कि वो जो दूल्हा दुल्हन ने हम सबको रात में लड्डू खिलाए थे उसमें उन्होंने बेहोशी की दवाई मिला दी थी। अरे नेमपाल जी, तो फिर हमारे नैनीताल जाने को कहोगे? सिंपल, दूसरी टिकट लीजिए, नैनीताल जाइए। अरे दूसरी टिकट कैसे लेंगे, पैसे पर्स में और पर्स चोरी हो गया। अरे ड्राइवर साहब, हमको तो लेते चलिए। अरे अरे I like it. अब हम घर कैसे जाएंगे? अरे मलकान, वो जो बस वाला था ना, जो हमको यहाँ छोड़ कर गया था, उसको फोन करो ना, वो बस लेकर आएगा और हमको लेकर जाएगा। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तो माँ साहब अपना मुंह बंद कर लो, लइए लुट गई है तुम्हें, संस्कार की पड़ी है सतर। तुम लगाओ ना यार, पंचायत कर रही है। लगा ले बेबी, जब तक बस आती मैं जरा मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ। हटिए जरा यार, हम भी जरा टहल के आते हैं अंगूरी। हो गई नैनीताल की ट्रिप। आई लाइक इट। खराब हो गई क्या सब? यार जा काम में भी हम हाथ डालते हैं, वहां का बंटाधार क्यों हो जाता है यार? तो जो बताओ हराम खोरो, तुम्हारे कोनो काम करते काय के लाने हो? तुम्हारे आवारा गर्दी करो वही सूट करती है तुम पे ससुर। तो कह रहे हो आप ये? बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, तुम्हारन को कसम से कह रहे, वही हिसाब है। कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखो करे। फ्री में काम मिलेगी रबड़ी? रबड़ी की रबड़ी है सारे। एक तो फ्री में आगो यात्रा करने, ऊपर से सुना के चलोगे मुफत खोर कहीं को। क्या है लंडो, क्या करते हो तुम लोग, क्या करते हो हा? कोई भी काम ढंग से नहीं करते। मेरा जो सपना था कि कपड़े उतार कर बर्फ पे लेटू, पूरा नहीं हो पाया ना। थू है तुम दोनों पे थू। I like it. डॉक्टर साहब को निशानों खराब है तो? शुक्र है पगलेट ने डॉक्टर का थूकना चाटो। क्या टीका मलखान, तुम दोनों भी सारा मजा किरकिरा कर दिया। सोचा था नैनीताल की बर्फीली पहाड़ी पर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। तेरी वजह से हुआ है। सारे तेरी वजह से हो रहा, बकवास मत करें। तू हमेशा तेरे धान भटका तो है। सारे तू तेरी वजह से हो रहा, मैं करूं ते। शशिकला को फोन किसने किया तो? सारे रामपति के लुंडे के पीछे कौन पड़ रहा तो? सारे तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नमस्कार। तेरी नमस्कार की माँ साफ सुझा के चलेगी सब कुछ। तेरी सुझा के चलेगो। ये सब कुछ तुम लोगों की बकवास ट्रैवल एजेंसी की वजह से हुआ है। अच्छे प्रोग्राम को टॉप कर दिया।
तो इतनी मुश्किल से बाहर जाने का मौका मिलता है। हम माफ नहीं करेंगे तुम दोनों को। हमें नैनीताल जाने का सपना अधूरा रह गया। अरे भाभी ने रात कर दी, अब फिर का खाना पीना मिलेगा? ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जैसे मैं सब कुछ मैंने करवा है। जैसे सारे तू लोंडियाबाजी करते हो ना, वहां के चक्कर में सब गड़बड़ है। नहीं करता हूं, तूने करता हुआ कदम फूटो। हां सारे तेरे चक्कर में पिटको मैं तीन चार बार। मैं तो झापड़ दूं, बुर दाल बाहर निकाल दूं, मैं सारे तेरे नाप कर रख दूंगा यहीं पे। कर कर सारे तू सारे बकवास कर रहे अनु बेबी, अंगूरी, दरवाजा खोलो। अनु प्लीज ओपन द लेज, आई एम ऑन द एज। कम ऑन बेबी, ओपन इट। अंगूरी दरवाजा। बस। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। जेले सारे अपनो जे धंधो भी ना फ्लोप है गो। सर तेरे पे एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा परे। सारे जा कहावत ना मेरे अकेले को पर फिट ना बैठती है। सारे तू भी तो बहुत बड़ा कर्महीन है गो। यार ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो यार, हम भी बहुत बड़े कर्महीन हैं यार। ये मलखान, हाँ ये जो कर्महीन को दाग लगो है ना माथे पे, ये जल्दी से जल्दी दोनों परे गो। लेकिन कैसे धोएगो? कोई और नयो धंधो खोल के। कौन सो नयो धंधो खोलेगो? मुझे एक आदमी मिले तो हाँ? जो लोगन को जॉब के लिए दुबई भेजते है हाँ? और अच्छी तनख्वाह भी देते है। वो मुझे बोल रहे है तो कि एक आदमी के ऊपर मैं पूरे 25,000 रुपए दूंगो। हकीका जी का बात कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा धंधो है। हाँ यार, बस यार इसके लिए ना हाँ? हमें ऐसे आदमी को ढूंढने पड़ेगो जो बेरोजगार रह गए। हम कह रहे ना साहब, हमसे गलती हो गई है, हमें झूठ नहीं बोलने चाहिए तो है साहब। ना ना ऐसा ना करो, देखो ठंडे दिमाग से सोचो साहब, अगर हम सस्पेंड हो गए तो हमारे नौ ठगे बच्चा प्रेग्नेंट बीवी को क्या होगा? तो हम साहब अपने मुंह से हम खुद कह रहे हैं ना कि हमसे गलती हो गई, हमें झूठ नहीं बोलने चाहिए तो 10 बार कह रहे हैं साहब। सो हेलो हेलो साहब। अरे दादा सस्पेंड कर दो जो नैनीताल यात्रा के चक्कर में। जेले एक ग्राहक तो यहीं तैयार खड़ा है। ए दरोगा जी, ए कहाँ है गो? ए तस्वीर क्यों बाहर है तुम? गुइया होगा उसे सर। तुम्हारी जी नैनीताल यात्रा के चक्कर में हमें सस्पेंड कर दोगो, हमारी नौकरी खतरा में आ गई सारी है? अरे आप नौकरी की फिक्र मत करो दरोगा जी, आपके लिए हमारे पास एक जॉब है, वो भी दुबई में। अब आप पुलिस की जो नौकरी है ना उसको चूल्हे में परवे दो और दुबई में जाके एस करो एस। दुबई में हम एस करें जा अच्छी खासी नौकरी छोड़ दे और बिल्कुल बहुत बढ़िया जो पकड़ो। थैंक यू। जाओ सारी तुम्हारी नौकरी करें।